मोर रेजोल्यूट इन आवर डिटर्मिनेशन। ये कैम्प का प्रयोजन क्या है कि हम हमारी भक्ति में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में और ज़्यादा दृढ़वान हो जाएं, और ज़्यादा निष्ठावान हो जाएं। इसलिए इसका नाम है निष्ठा कैम्प। इसके पहले क्या होता है, इसके पहले हम आयाराम गयाराम होते हैं, अंडरस्टैंड, आयाराम गयाराम कभी कभी आते हैं फिर कभी चले जाते हैं। तो कुनकुनी भक्ति होती है हमारी। कुनकुना भी समझते हो ना, एमपीसी हो ना सर, बाहर से तो नहीं कोई, साउथ इंडियन हो, यू नीड इंग्लिश देन, यू कैन अंडरस्टैंड ओनली, ओके। तो कुनकुना मीन्स लुक वार्म, नॉट हॉट नॉट कोल्ड, बीच का कुनकुना पानी। तो अभी हमारी भक्ति कैसी है, कुनकुनी है। भक्ति में ही मजा आता है, फिर सोशल मीडिया में ही मजा आता है, भक्तों के साथ भी अच्छा लगता है, फिर फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा लगता है। लेकिन भक्ति को निष्ठावान करना है, निष्ठा, दृढ़वान, निष्ठावान, इसलिए ये कैंप के आवश्यकता है। और शायद इस्कॉन टेम्पल ही ऐसे टेम्पल होंगे जहाँ ऐसी शिक्षा दी जा रही है, नहीं तो टेम्पल्स आर जस्ट आइदर सेल्फी जोन और पिलग्रिमेज फॉर ओल्ड पीपल। कुछ बूढ़े लोग जाएंगे वहाँ पर, कुछ अठन्नी चवन्नी चढ़ा के आएंगे, चले जाएंगे। लेकिन टेम्पल्स का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ टेम्पल्स? टेम्पल्स आर वैदिक यूनिवर्सिटीज। जैसे आप सबने एडमिशन लिया है कॉलेजेस में, क्यों कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्यों कॉलेज में एडमिशन लिया है? प्लेसमेंट, वेरी गुड, ऑनेस्ट आंसर, प्लेसमेंट के लिए। हाँ, और प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा जॉब, जॉब को हिंदी में बोलते हैं नौकरी। नौकरी कौन करता है, नौकर। तो हमने कॉलेज क्यों ज्वाइन किया है, नौकर बनने के लिए, गर्व से कहो हम नौकर हैं, तो ये हमारे कॉलेज का मोटो है। लेकिन एक शिक्षा ऐसी है जो हमको स्वामी बनाता है, गोस्वामी बनाता है। एक है मॉडर्न एजुकेशन, वो क्या बनाती है, गोदास, वो बनाती है नौकर। और एक एजुकेशन ऐसी है जो स्वामी बनाती है, गोस्वामी, मास्टर ऑफ द सेंसेस, मास्टर ऑफ बैड हैबिट्स, नॉट बैड हैबिट्स, कॉन्करिंग बैड हैबिट्स। ये एजुकेशन आज कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं दी जा रही है। अभी मानो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हाउ टू क्रॉस रोड, पढ़ा है? सड़क कैसे पार करते हैं, छोटी क्लास में कोई समझाएगा कैसे पार करते हैं सड़क? एक जन बताओ। हाँ, कौन बताएगा? ठीक है, हाँ, आपको 5 में से आधा नंबर मिलेगा। और कोई परफेक्ट, कौन समझाएगा? ग्रीन लाइट, ओके, कोई भी नहीं, रेड सिग्नल पे क्रॉस कर लो। हाँ, जब ट्रैफिक रेड में हो, ओके। हम लोगों ने सीखा था पहले आप लेफ्ट देखिए, कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, फिर आप राइट में देखिए, फिर आप दोबारा लेफ्ट में देखिए, याद आ रही, याददाश्त वापस आ रही है? हाँ, उसके बाद हम रोड क्रॉस करते हैं। तो ये एजुकेशन क्यों दी थी बचपन में, जिससे बड़े होके हम अंधाधुंध रोड क्रॉस ना करें? अगर वो एजुकेशन होती ना तो क्या ट्रैफिक कंट्रोल करना पॉसिबल होता? मान लो आप में से कोई कोई पता ही नहीं गया होता कि लेफ्ट साइड में गाड़ी ड्राइव करनी है, तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता था। तो अभी सोसाइटी में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा नहीं दी जा रही, कैरेक्टर की शिक्षा नहीं दी जा रही। हमारी स्पिरिचुअल नेचर क्या है, इनहेरेंट कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में कोई नहीं सिखा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। देयर इज नो वंडर व्हाई देयर इज सो मच डिप्रेशन इन द वर्ल्ड, वाई देर इज सो मच स्ट्रेस इन द वर्ल्ड, वाई देर इज सो मच डिससेटिस्फेक्शन इन द वर्ल्ड, इवन सो मच कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड। कई बार लोग इतना
स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तीन में से एक साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। इतना नेगेटिव बात दिन भर सुनोगे तो आपका क्या होगा? जैसे जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें प्री साइकेट्रिक सिम्टम्स, साइकेट्रिक सिम्टम्स, एक्स्ट्रा हाइपर साइकेट्रिक सिम्टम्स, इस तरह से पढ़ाया जाता है ना। तो पी साइकेट्रिक सिम्टम्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जैसे मान लो आपने गेट लगाया, आप जाके सो गए, फिर आपको मन में आया अरे मैंने गेट लगाया कि नहीं, तो दोबारा जाके चेक करोगे, फिर जाके सो गए अरे यार पक्का लगाया कि नहीं, फिर तीसरी बार चेक करो। ये सब प्री साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं, है ना। अभी कोई इसको ज़्यादा पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा, यार मेरे साथ भी तो ऐसा होता था, मैं भी तो 5 बार जाता था, तो खुद डिप्रेशन में नहीं आएगा क्या? ज्यादा नेगेटिव बात सुन सुन के व्यक्ति खुद डिप्रेशन में आ जाता है। जैसे मैं इंदौर गया था कुछ महीनों पहले, वहाँ पर एक सर्जन बता रहे थे कि एक साइकेट्रिस्ट ने एक क्लिनिक खोला था, उसने बड़ा लोन लिया, 2-3 मंजिल का क्लिनिक खोला। अब उसने पेशेंट्स वगैरह आने शुरू हो गए, एक महिला उसके पास आई, वो लेडी बोलती है कि सर मेरे को इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन है, आप मेरी मदद कीजिए। बोले क्या स्ट्रेस है आपको, क्या दिक्कत है? बोले मैं जहाँ जाती हूँ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अच्छा, किस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं थोड़ा बताइए। बोले देखिए अब आपका ही सोच लीजिए, आपने इतना बड़ा क्लिनिक खोला है, इतना लोन लिया है, यहाँ कुछ पेशेंट्स आ नहीं रहे, आपका दिवाला निकल गया तो क्या होगा? वो साइकेट्रिस्ट बेचारा गया डिप्रेशन में, उसका क्लिनिक बंद। तो लोगों को पता नहीं है सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ ट्रेनिंग, इज लैक ऑफ एजुकेशन। हम लोग शरीर के तो एकदम एक एक भाग की स्टडी कर रहे हैं, एकदम नाखून के टिप की भी स्टडी का एक स्पेशलिस्ट है, हर चीज का है, लेकिन सोल के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, और वहां से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मान लीजिए आप कोई हॉस्पिटल में कोई दवाई या कुछ लेने के लिए गए हो, और आपने देखा कि एक इमरजेंसी केस आया है एक्सीडेंट का, उसके पैर में लगी हुई है, उसके हाथ में लगी हुई है, उसके सिर में फट गया है और खून निकल रहा है। डॉक्टर सबसे पहले किसको क्योर करेगा? सबसे पहले उस सिर को क्योर करेगा, सबसे पहले उधर टांके लगाएगा। हाथ और पैर को हम हैंडल बाद में कर सकते हैं, कि सिर ज्यादा जरूरी है। शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट सिर होता है, लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हेलमेट लगा के चलो, क्योंकि शरीर में कुछ पैर टूटा हाथ टूटा चलो ठीक है सर्जरी हो जाएगी, सिर की इंजुरी है तो व्यक्ति ही विल डाई ऑन स्पॉट। उसी तरह शरीर और सोल में, सोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो अगर मॉडर्न एजुकेशन बॉडी के लिए, बॉडी की पैम्परिंग के लिए, नौकरी के लिए इतना एम्फेसिस देती है कि हम 2-3 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ को कितना एम्फेसिस मिलना चाहिए? तो ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि मैं निष्ठा कैंप में आया, यू आर ऑलरेडी लेट, बहुत लेट हो गए हैं आप लोग, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है, अभी एटलीस्ट बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए। और जब हम इस तरह की एजुकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो लाइफ में कैरेक्टर आता है। इसलिए आज का जो ओपनिंग टॉपिक है वो है हाउ टू लीड अ कैरेक्टर लाइफ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉरेलिटी, इमोरेलिटी, ट्रांसेंडेंटल मॉरेलिटी। ये मॉरल साइंस हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, लेकिन जब हम पढ़ते भी थे तब भी लगता था कि ये इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड में मॉरल क्या है और इमोरल क्या है बताना बहुत मुश्किल है। जैसे इंडिया में सामान्यतः क्या होता है, हम लोग पेरेंट्स ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पिताजी ने कुछ बोल दिया, हम लोग तो करते थे आपको मालूम नहीं, पिताजी ने कुछ बोल दिया तो हम बात नहीं काट सकते थे। लेकिन इसी इंडिया में दूसरा भी कल्चर था, एक ऐसा भी कल्चर था जहाँ पिता को जेल में डाल करके किंग बना जाता था, वो भी एक कल्चर था, उनके लिए वही मॉरालिटी थी, वही अपना साहस दिखाना था कि हमने अपने पिता को, अपने भाइयों को मार दिया या जेल में डाल दिया, उसके बाद हम राजा बन गए। तो ये बड़ा एक साहस का वो प्रदर्शन बताते थे, इट वॉज अ डिस्प्ले ऑफ देयर पावर कि हमने इतना बड़ा कारनामा किया। इनके आप उसको मॉरल बोलोगे? नहीं बोलोगे। उन लोगों के ट्रेडिशन में वो मॉरल है? बिल्कुल मॉरल है। अच्छा, और बयान है
अफ्रीका में ऐसा रिवाज है, जब बूढ़े कोई हो जाता है, दादाजी वगैरह, तो एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं वो। मानो उनकी 75वीं वर्षगांठ पे, उनके बर्थडे पे बहुत बड़ा एक फंक्शन करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, और जो जितना अपने ग्रैंडफादर से प्यार करता है उतना बड़ा फंक्शन करता है। और वो फंक्शन के में क्या होता है, सबको बड़ी दावत खिलाई जाती है, गिफ्ट्स बांटी जाती हैं, और लास्ट में वही ग्रैंडफादर को काट काट के बांटा जाता है। ठीक है, रिवाज है। और जो जितना बड़ा फंक्शन करेगा उसको उतना ही बड़ा प्रेमी बताया जाता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, उसको आप मॉरल बोलोगे। बट अफ्रीका में अगर आप वो नहीं करोगे तो लोग बोलेंगे क्या आदमी है यार, कंजूस, इसने अपने दादाजी के लिए इतनी बड़ी रस्म भी नहीं की। तो मॉरल क्या है, इमोरल क्या है, बताना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद एग्जाम्पल दिया करते थे, चोर बढ़िया चोरी करके लेके आए और फिर आपस में ईमानदारी से बांटते हैं, तो ईमानदारी को क्या बोलोगे, इमोरल। तो मॉरल क्या है, इमोरल क्या है, बहुत डिफिकल्ट है बताना। कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां फ्री मिक्सिंग अलाउड है, वहां लेडीज और जेंट्स, मेल एंड फीमेल, दे मिक्स टुगेदर, डांस टुगेदर, डू ऑल नॉनसेंस टुगेदर। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वहां पर भीड़ लगी हुई है, हम पूना में पढ़ते थे, पूना में दे हैव हेडक्वार्टर्स, वहां पर भीड़ की भीड़ लगी हुई है। आप इतना प्रीचिंग करते हो, इतना लड्डू कुकीज क्या क्या बांटते हो, फिर भी लोग नहीं आते। उनका कोई प्रीचिंग नहीं है फिर भी लाइन लगी हुई है, क्यों? फ्री मिक्सिंग अलाउड है, मेल फीमेल दे ऑल कम टुगेदर, दे डांस टुगेदर, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। वहां पर भीड़ लगी हुई है, उनके लिए वो मॉरल है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट वही चीज हम जब वैदिक पद्धति में आते हैं तो इमोरल हो जाती है। तो इसका निर्णय कौन करेगा? सिंपल एग्जाम्पल, चाय। मान लो आपके घर में कोई रिलेटिव आए, अब आपको इस्कॉन वाले, आप तो चाय पीते नहीं हो, तो आप उनको चरणामृत दे दिया, प्रसाद दे दिया, सब दे दिया, बाद में जाके वो क्या फीडबैक देंगे? चाय तक की नहीं पूछी हमसे, कैसी मेहमानी करी, चाय तक नहीं पूछी। तो ये भी एक है, अभी उसमें आप कैसे बोलोगे कि आपका कैरेक्टर ठीक है कि उसका कैरेक्टर ठीक है? इट्स जस्ट डिफरेंट सेट ऑफ माइंड सेट, कि अलग अलग धारणाओं की वजह से व्यक्ति अलग अलग वे में सोचता है। तो हम जब अलग अलग टूवर्ड्स द वेस्ट जितना जाएंगे उतना संस्कृति में पतन होता जाता है। हाँ, जितना वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे उधर और ज्यादा आप देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, ये और ज्यादा नीचे गिरती चली जाएंगी। अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे भी ये राइट्स रखते हैं कि अगर उनके माता पिता डांटें चिल्लाएं तो पुलिस को बुला सकते हैं और माता पिता को पकड़ के पुलिस ले जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा पॉसिबल है? आप रोगे तो और पिटाई पड़ेगी, रोगा तो और पिटाई पड़ेगी, नहीं रोगे तो भी पिटाई पड़ेगी कि तेरे को इतना हमारा बेशरम हो गया है, रोगे तो और पिटाई पड़ेगी कि आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इतना एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस में लोग अलग अलग धारणा रखते हैं। एक इस्कॉन के सन्यासी थे, महाविष्णु स्वामी महाराज, वो एक बार अमेरिका में इनिशिएशंस दे रहे थे, दीक्षा दे रहे थे। तो दीक्षा के समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो भारत में पद्धति है कि माता पिता के आशीर्वाद से कोई शुभ काम करना चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने अपने माता पिता को बुला के लेके आइए, फिर हम दीक्षा देंगे, है ना। तो वही जितने भी मेल थे वो लोग भी बुला के लगाए, फीमेल भी बुला के लेके आए, तो अभी उनका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। एक कैंडिडेट महाराज को बताते, महाराज दिस इज माई थर्ड मदर। आपने सुना है कभी थर्ड मदर? थर्ड मदर मतलब पिताजी की एक पत्नी थी, उनसे डाइवोर्स हो गया, फिर सेकेंड आई, उनका डाइवोर्स हो गया, अब ये थर्ड चल रही है, ये हुआ थर्ड मदर। फिर दूसरे ने बताया कि महाराज दिस इज माई फोर्थ फादर, ये चौथे पिताजी चल रहे हैं अभी मेरे, कब चेंज होंगे मालूम नहीं, उनका टर्न कब खत्म होगा। तीसरे ने बोला कि महाराज आई डोंट नो हु इज माई फादर, मम्मी अकेली देखी है बचपन से, कभी फादर पता ही नहीं है कहाँ है। माँ ने बोला रहने दो भैया, मैं ऐसी दीक्षा दे देता हूँ। तो मेरे माता पिता का इंट्रोडक्शन बहुत खतरनाक है। तो अगर हम इस विचार से देखें, अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉर्मल फॉर देम, उनके लिए कोई बहुत मतलब इट्स नॉट ए कल्चर शॉक, ये हमारे लिए कल्चर शॉक हो सकता है। जैसे मैं जब पहली बार गया था अमेरिका, तो एक मूवी रिलीज हुई थी इस्कॉन की, हरे कृष्णा मूवी का नाम था, स्वामी द मोमेंट एंड हु स्टार्टेड इट ऑल, प्रभुपाद के ऊपर मूवी आई थी, वो थिएटर में लगी थी।
मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप सोचो प्रभु जी थिएटर में क्या कर रहे थे। तो वो मूवी लगी थी, तो हम कुछ डिवोटीज के साथ गए थे। तो एक फैमिली थी और वो फैमिली मुझे लेके गई, और उनकी दो डॉटर्स थी, उनके कुछ फ्रेंड्स थी, और वो पति पत्नी दोनों थे, उनका एक लड़का भी था और मैं था। हम ऐसे 7-8 लोग गए, अब सब सीट पे बैठ गए। तो उन्होंने एक सॉफ्ट ड्रिंक ली, स्प्राइट या 7-Up ऐसा कुछ, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे दिया। मैं कहा ठीक है, अभी दिया है तुम्हें, आई ड्रिंक इट। मैं ड्रिंक करके उधर में जो होता है रखने का, एक कैप्ट देर, थोड़ी देर बाद देखा कि वो गायब है। मुझे लगा ठीक है कोई ने ले लिया होगा, तो उसी को लेके सबने पिया थोड़ा थोड़ा, है ना। और फिर बाद में दोबारा उसको वहां पर रख दिया, प्रभु जी लीजिए। मैं कहा भैया ये हमारे यहाँ नहीं होता है, मतलब यू अंडरस्टूड। एक ही स्ट्रॉ में से वो 7-8 लोगों ने हरे कृष्णा किया और उसको फिर दोबारा उधर रख दिया। अब आप पियो, इतना भयंकर महाप्रसाद नहीं चाहिए। तो ये कल्चर डिफरेंस है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये मॉरल है या वो इमॉरल है, वेरी डिफरेंट, डिफिकल्ट। तो कई बार लोग ना अपने ही हिसाब से मॉरलिटी की डेफिनेशन सेट कर लेते हैं, और उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट रेफरिंग टू द बोनाफाइड स्क्रिप्चर। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन को माने ही नहीं, तो हर व्यक्ति का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना। उसको बोलते हैं आप संहिता, अहम पुराण, अहम पुराण, मैं जो बोल रहा हूँ वही पुराण है और आप संहिता। कई बार लोग दूसरों की बात मानते हैं ना। घर में रीति रिवाज कैसे होते, कभी कोई शादी वगैरह देखी है आपने, कोई घर में क्लोज रिलेटिव की शादी, कौन डिसीजन देता है, कौन सी बुक्स रेफर करते हैं वो लोग, कौन सी बुक्स रेफर करते हैं? वो एक चाची आएंगी दूर वाली, वो बताएंगी कि ये रसम ऐसे होती है, फिर बुआ जी बोलेंगी नहीं ये रसम ऐसी होती है, फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, फिर दोनों में जो ज्यादा गुस्सा होगा उसकी बात मानी जाएगी। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, एक डिवोटी बता रहे थे कि उन्होंने अपनी शादी की एल्बम देखी कई सालों बाद। तो अपनी शादी की एल्बम देख रहे थे, उस टाइम पे डिवोटी नहीं थे, अभी डिवोटी बन गए थे, थोड़ा बहुत संस्कृत भी जानने लगे थे, मंत्र वगैरह जानने लगे थे। तो वो शादी के एल्बम में वो देख रहे थे कि पंडित मंत्र कौन से बोल रहा है, थोड़ा सा हम लोग को आइडिया हो जाता है धीरे धीरे। तो वो मंत्र बोल रहा था संन्यास लेने की सेरेमनी के। इनको शौक लग गया, बोले मेरी शादी में संन्यास के मंत्र को क्यों करा। तो पंडित को पूछा करके, बोला एक्चुअली मैं जब घर से निकला तो लेट हो गया, तो वो गलत बुक उठा के ले गया, तो वहां पर मैंने वही पढ़ दी। तो लोगों का मापदंड अपने हिसाब से ही चलता है, क्यों? क्योंकि वो वैदिक शास्त्रों को रेफर नहीं करते। जैसे कई लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, सुना होगा ना आपने अहिंसा, कहां से आया ये, कहां से आया? हाँ भगवद गीता बिल्कुल नहीं है अहिंसा परमो धर्म। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सिखाई किस लिए? मान अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करने के लिए। तो वायलेंस गलत है कि सही है ये निर्णय कौन करेगा? जैसे हाँ शास्त्र करेंगे। जैसे एक बार एक बुद्धिस्ट गुरु थे, अब उनका वही रहता है अहिंसा, है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा का वो रहता है। तो वो प्रभुपाद के सामने आ गए, उनके बहुत सारे शिष्य थे, मेल डिसाइपल्स फीमेल डिसाइपल्स वो बीच में खड़े थे। तो प्रभुपाद उनसे पूछ रहे थे कि अभी आपका क्या फिलॉसफी है। बोले हमारा, हम अहिंसा पालन करते हैं। प्रभुपाद ने उसको एक पहली बॉल मारी, पहली बॉल में आउट करने प्रभुपाद एक्सपर्ट थे। प्रभुपाद ने क्वेश्चन पूछा, बोले अगर आपकी ये फीमेल डिसाइपल्स को कोई छेड़ेगा, आप जाओगे रस्ते में कोई छेड़ेगा, तो आप क्या करोगे? वो बोलता है कि नहीं हम तो अहिंसा पालन करेंगे। तो उसी के फीमेल डिसाइपल्स ने विद्रोह शुरू कर दिया कि महाराज आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमको कोई छेड़ेगा आप कुछ करोगे नहीं, आपको फॉलो करने से मतलब क्या है, फिर हम इस्कॉन में ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो बुद्धिस्ट भी कंफ्यूज हो गया, अरे इसका आंसर क्या है? प्रभुपाद बोले बताओ इसका आंसर क्या है। प्रभुपाद बोले वायलेंस इज नॉट गुड, वायलेंस इज नॉट बैड, वो आपको सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल एग्जाम्पल प्रभुपाद देते थे, एक आर्मी ऑफिसर जा करके कई मानो पाकिस्तानियों को मार के आ गया, तो उसको आप वीर चक्र देते हो, और वही अपने गांव में उसकी लड़ाई हो गई, उसने बंदूक से बगल वाले को उड़ा दिया, तो कौन सा चक्र मिलेगा उसको? उसको फांसी का चक्र मिलेगा। तो एक ही एक्टिविटी है, बट अंतर क्या है?
फॉर विच पर्पज यू आर डूइंग, पर्पज के हिसाब से अलग अलग होता है। तो गीता में भगवान मॉरेलिटी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि इमोरेलिटी क्या है। आपके मोबाइल में गीता है 18th चैप्टर निकालिए, 31st वर्स, कोई एक भक्त श्लोक पढ़िए, दूसरा ट्रांसलेशन पढ़िए, 31, 18, 31 मिला। फेसबुक में तो नहीं चलेगा गलती से, 18:31 भगवद गीता। श्लोक पढ़िए जोर से। यया धर्मम अधर्मम च क्रायम चक्रयम इवा च अथ्यावत प्रजनाति बुद्धि स प्रथा रजसी। एक कोई व्यक्ति श्लोक पढ़िए जोर से। अयथावत प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। ट्रांसलेशन मोड ऑफ पैशन। तो ऐसी एक्टिविटीज जिनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, हमने अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ऐसी प्रैक्टिस रजोगुण में होती है और मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में गिरते हैं। वो अपने रजोगुण मतलब क्या है, पैशन, अपन नॉर्मल भाषा में बोलते पैशन, यू हैव टू हैव पैशन। पैशन किस लिए होता है? अपने मॉडर्न वर्ल्ड में जो मोटिवेशन स्पीकर्स बोलते हैं ना, बी पैशनेट अबाउट योर गोल। आपको कुछ प्राप्त करना है उसके लिए तो आप पैशनेट होगे ना, उसी के लिए तो रजोगुण होगा। बेसिकली लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब कोई कार्य करते हैं वो रजोगुण में आता है, उनको सही गलत से ज्यादा टेंशन नहीं होती है। अपना काम सदना, जमाना जाए ढकना, ये है मेन प्रिंसिपल, ये मॉरेलिटी आज के वर्ल्ड की। समोर अगर आपको सक्सेसफुल यदि होना है तो दूसरों को आप नीचे गिराने में एक मिनट भी नहीं सोचोगे। जैसे आपको एक कॉमन एक्सपीरियंस होगा, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर कॉलेज में भी आपको एक्सपीरियंस होगा, कई जो टॉपर्स होते हैं वो एक रात पहले निकलते हैं रूम से, पूरे टाइम तो पढ़ते रहते हैं, एक रात पहले वो निकलते हैं और फिर रूम में आकर के खूब बकर 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 2-3 घंटे आपको खा जाएंगे और वो यही बोलेंगे कि मेरी तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई, मैं तो कुछ पढ़ाई नहीं है, मैं तो किताब को हाथ भी नहीं लगाया, वो 5 बार रिविजन करके आया है, लेकिन वो रोएगा ऐसे कि आपको लगेगा कि यार सच में इसकी पढ़ाई नहीं हुई। और उससे मोटिवेशन लेके आपके सोचोगे अरे जब टॉपर में पढ़ाई नहीं की तो अपन क्या करेंगे, आप भी सो जाओगे, फिर क्या होगा अगले दिन वो सप्लीमेंट में सप्लीमेंट लेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि चाइनीज में पेपर प्रिंट हुआ है कि इंग्लिश में। ये क्यों होता है? क्योंकि ये उसका स्ट्रेटेजी था कि कैसे तो मैं दूसरों का टाइम वेस्ट कर दूं जिससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, उसके लिए वही मॉरेलिटी है। लेकिन क्या वो मॉरेलिटी में पास होगा? इमोरेलिटी, वो अनैतिकता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जनरली लोग जो भी कार्य करते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। आप सोचो लोग रिश्वत क्यों लेते हैं, छोटी छोटी पदवी पर रिश्वत क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि उस पोस्ट पे पहुंचने के लिए उसने बहुत बड़ी रिश्वत दी है, अभी उसको बैकलॉग पूरा करना है। कोई भी नेता इतना करप्शन क्यों करता है, इतना क्यों पैसा चोरी करता है? क्योंकि वो इलेक्शन जीतने के लिए उसने पैसा खिलाया लोगों को, एक इलेक्शन जीतने के लिए, छोटा सा पंचायत का इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं और वो पंचायत का इलेक्शन जीतने के बाद वो भरपाई कैसे करेगा? फिर वो लोगों से रिश्वत लेगा, फिर वो लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा। तो उसके लिए वो नैतिकता है भाई, उसने खर्चा किया है, उसका क्या गलती है उसमें, वो उसको पूरा कर रहा है। तो मैक्सिमम लोग जो गीता में भगवान बता रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, दे आर जस्ट ड्रिवन बाय देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन। धर्म के नाम पर कई बार लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, हम एक मित्र मंडल बनाएंगे, दुर्गा जी की झांकी लगाएंगे। देखा अपने घर में लोग आते हैं ना चंदा मांगने, पहले तो 100-200 मांगते थे, अभी वो 5,000-10,000 से नीचे बात ही नहीं करते,
और लोग देते भी हैं धर्म के नाम पे, लोग अच्छे अच्छे उनको चंदा दे देते हैं, फिर क्या होता है, 15-20 हज़ार में टेंट लगाया, मस्त एक मूर्ति बिठाई, और उसके बाद पीछे क्या चलता है, दम मारो दम चलता है पीछे, बढ़िया उनकी गैम्बलिंग चलती है, ड्रिंकिंग चलती है, सब कुछ चलती है। और ये मेरे लिए शौक था, क्योंकि हम जब छोटे थे हम लोग देखते थे कि जो झांकी लगती थी या इस तरह प्रोग्राम होते थे उसमें पहले भजन बजाए जाते थे, टी सीरीज के बढ़िया रामानंद सागर के बढ़िया भजन चलते थे। अभी जब मैं पुणे गया फर्स्ट टाइम, तो आई वॉज इन शॉक, बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे हैं, माता बेचारी बैठी है, गणेश जी बेचारे बैठे, और सामने बच्चों का अलग ही कुछ तो चल रहा है। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा शौक जब था, हमारे फर्स्ट ईयर में हमको छुट्टी मिली थी गणेश विसर्जन की, वहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, 2 दिन छुट्टी होती है, जिस दिन गणेश विसर्जन होता है और उसके अगले दिन 2 दिन छुट्टी होती है, क्योंकि रात भर लोग देखते हैं उसको कि बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेके जा रहे हैं और फिर वो विसर्जन कर रहे हैं, और अगले दिन ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए 2 दिन छुट्टी होती है। तो हम भी फर्स्ट ईयर में थे, हमने कहा कुछ डिवोटीज ने हमने बनाया प्लान कि जाके देखेंगे करें, तो गए देखने के लिए, तो यू टर्न लेके आना पड़ा विद इन 10 सेकेंड। पता है क्यों? क्योंकि गणेश जी की झांकी जा रही थी विसर्जन के लिए, और गाना कौन सा बजाया था उन्होंने, हु लेट द डॉग आउट, सुना है वो गाना, ये गाना बजा रहे थे वो। अभी आप क्या समझोगे इससे, इतना भयंकर उनका कंसेप्ट ही नहीं है, उनका कोई मॉरालिटी नहीं है, बट दे आर थिंकिंग दे आर वेरी रिलीजियस। एक और फेमस कार्यक्रम चलता है डांडिया का, है ना, डांडिया में क्यों लोग जाते हैं आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है। सो देयर कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इज ओनली टू ग्रेटिफाई देयर सेंसेस। दूर से आपको दिखेगा कि अरे बड़े मॉरल लोग हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं, बट उनका आंतरिक भाव क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का। अब इससे भयंकर लोग, 1832, कोई पढ़िए ट्रांसलेशन, यू कैन रेज योर हैंड, कौन पढ़ना चाहता है उनको दो। 32 ट्रांसलेशन, दैट अंडरस्टैंडिंग विच कंसीडर्स इरिलीजन टू बी रिलीजन एंड रिलीजन टू बी इरिलीजन अंडर द स्पेल ऑफ इल्यूजन एंड डार्कनेस एंड स्ट्राइव्स अवेज ऑलवेज इन द रॉन्ग डायरेक्शन ओ प्रिथ पार्थ इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब ये जो भाई साहब हैं, ये मोड आप जो जिनके बारे में आप पढ़ रहे हो, मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले, ये और भी भयंकर हैं, इनको समझ में ही नहीं आता है कि ये कर क्या रहे हैं। रजोगुण वालों को तो फिर भी पता है कि चलो अपन को मजा करना है, थोड़ा अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, इसलिए मॉरलिटी इमोरलिटी को वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, चाय कम पानी वो सब कर लेते हैं। लेकिन ये तमोगुण वाले को समझ में ही नहीं आता है, इसको लगता है कि जो ये कर रहा है वो रिलीजन है, बट वो उल्टा ही होता है। ये मतलब इग्नोरेंस इज ब्लिस जो हम बोलते हैं, तमोगुण में व्यक्ति को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। कई बार इस हद तक व्यक्ति रिलीजन के नाम पे चला जाता है कि वो दूसरों की जान लेने में भी कतराता नहीं। बहुत सारे क्राइम्स इस आधार पर होते हैं कि लोग ब्लैक मैजिक करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, कई बार उनको लगता है कि नहीं हम तो मदद ही कर रहे थे, लेकिन दूसरों की लाइफ हेलिश बना देते। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम अहोबिलम गया था, आप में से कई लोग अहोबिलम गए हैं, कुछ लोग अहोबिलम साउथ इंडियंस, यस, वहां पर आई वॉज टेरिफाइड टू सी दिस साइट। मेरे जीवन का एक बहुत डरावना पल था ये। हम लोग वहां पर, नव नरसिंह है, 9 मंदिर हैं नरसिंहदेव के, एंड दैट इज द प्लेस वेयर लॉर्ड नरसिंहदेव अपियर्ड। वहां पर हिरण्यकश्यपु का पैलेस हुआ करता था, और वहां पर नरसिंहदेव अपियर्ड। तो देयर इज वन प्लेस उग्र स्तंभ जहां से नरसिंहदेव प्रकट हुए, और फिर 9 नरसिंह मंदिर है, जैसे योग नरसिंह है जहाँ पर पाठशाला थी प्रहलाद महाराज की। अब नरसिंहदेव ने तो हिरण्यकश्यपु का ऑपरेशन कर दिया, वो तो गया, और शंड अमरका वगैरह सब डर गए, अभी कौन पढ़ाएगा, तो प्रहलाद महाराज 5 साल के उनके लिए टीचर ही नहीं है, पिताजी भी गए टीचर भी नहीं है, कौन पढ़ाएगा। नरसिंहदेव हिमसेल्फ टॉट ऑल योगिक क्रियाज, ऑल एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग टू प्रहलाद महाराज। सच ए नाइस टीचर है नरसिंहदेव, गलती कर ही नहीं सकते आप। नरसिंह, योग नरसिंह, उसके बाद है पावन नरसिंह, उस तरह देर आर मैनी, ज्वाला नरसिंह, सो मैनी नरसिंह देव टेम्पल्स आर देर। तो हम लोग पावन नरसिंह के टेम्पल में जा रहे थे, और वो एकदम ही फॉरेस्ट में, तो नेचुरल नेचुरल फॉरेस्ट,
वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी है, बहुत कुछ है। तो हम लोग 5-7 7-8 भक्त ऐसे वॉकिंग करके जा रहे थे। लौटते टाइम द साइट विच वी सॉ सो टेरिफाइंग, पेड़ पर बंदरों को काट काट के उनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग लटकाया हुआ था पूरे पेड़ में, ऐसे आप झालर लगाते हो ना ऐसे लटकाया हुआ था, एंड ब्लड वॉज ड्रिपिंग डाउन। क्या है ये, हम किसी को नहीं मालूम था, कोई भी साउथ इंडिया से था नहीं। फिर उधर पूछा लोकल, ये क्या है ये? तो बोले यहाँ पर लोग व्रत रखते हैं, पीला कपड़ा, दे ड्रेस इन येलो, यू हैव सीन, दे डू ऑल दिस पिलग्रिमेज, उतने दिन के लिए शाकाहारी बनते हैं और फिर यहाँ पर आकर के ये लोग इस तरह बलि चढ़ाते हैं, बंदरों को काट काट के लटकाते हैं और फिर ये लोग अपना मांस वगैरह सबको शुरू कर देते खाना, इनकी मन्नतें ऐसे पूरी होती है। आपको क्या लगता है, लॉर्ड नरसिंह विल बी प्लीज्ड बाय दिस? लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान है, उनके लिए बहुत बड़ी एक रिलीजियस एक्टिविटी है। जस्ट बाय लिसनिंग इट, हाउ यू आर फीलिंग, कैसा आपको लग रहा है? तो ये क्रियाएं मोड ऑफ इग्नोरेंस में चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि मॉरालिटी क्या होती है, सत्वगुण क्या होता है। 18th chapter, 30th वर्स। कौन पढ़ेगा? ओके, ये पढ़ेंगे। वर्स पढ़ना है। That happiness which is derived from contact of the senses with their objects and which appears like nectar at first but poison at the end is said to be of the nature of passion. नहीं, आप 30th 1830. Yes. O son of Pritha, that understanding by which one knows what out to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, is in the mode of goodness. अब ये जो होता है सत्वगुण वाला व्यक्ति, ये थोड़ा विवेक से चलता है, he goes by discretion, कि क्या डरने वाली चीज है और क्या डरने वाली चीज नहीं है, है ना? मान लो आप युद्ध में भी जाते हो, बहुत साहसी हो, आप आर्मी में हो, लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो, तो अपनी टॉवेल में कोई लड़ने नहीं जाएगा, पता पड़े आपको हराने की जरूरत नहीं, बस टॉवेल खींच दो कदम। भाई लड़ने भी जाओगे थोड़ा विवेक से जाओगे कि मैं अपना आर्मर पहन लूँ, मैं अपने वेपन्स ले लूँ। ये सत्वगुणी व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं है कि वो डरता है, ऐसा नहीं है कि उसको हर चीज से उसको डर लगता है या हर चीज में वो मतलब इज कन्फ्यूज कि करूँ कि नहीं करूँ, बट ही ऑलवेज टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग। प्रभुपाद सिंपल एग्जाम्पल देते थे कि एक जानवर में और मनुष्य में अंतर क्या है। आप जानवर के सामने कुछ खाने का रख दोगे, वो क्या करेगा? टूट पड़ेगा। जस्ट डू इट। ह्यूमन बीइंग विल थिंक एट लीस्ट वंस, एक बार सोचेगा कि मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्लास चल रही तो उठ के जाना चाहिए कि नहीं जाना। तो ये सारे, ये जो एक बार सोचने का विचार जो आता है ना, ये ह्यूमन बीइंग्स में आता है, जानवरों में वो विचार नहीं आता। ये जस्ट डू इट, ये जो मोटो है जस्ट डू इट वाला, वो किसका है? एनिमल्स का है। उस प्रकार से भगवान क्या बता रहे हैं कि किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, किसके साथ हमें बंधन होगा, मोर विल बी बाउंड, और किसके साथ विल बी लिबरेटेड, ये इंफॉर्मेशन मोड ऑफ गुडनेस में मिलती है। जैसे आपने रामायण में सुना होगा, जब ये पता पड़ गया कि सीता को रावण ले गया है और सीता लंका में है और ये लोग इंडिया के एकदम लास्ट छोर पर खड़े हैं, अभी लंका तक जाना है, तो ऐसा नहीं कि साहस में कि हाँ भाई हम लंका तक पहुंचेंगे और सारे बंदर कूद ही मारना शुरू कर दिए और पानी में डब 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 गिर गए, ऐसा नहीं था। उनके सबके अंदर एंथुसियाज्म था, सब राम जी के लिए समर्पित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अपनी क्षमताएं बताई, भैया मैं 10 योजन कूद सकता हूँ, मैं 20 योजन कूद सकता हूँ, मैं 25 योजन कूद सकता हूँ। अंगद बोलते हैं मैं कूद तो पूरा जाऊंगा लंका तक, वापस नहीं आ पाऊंगा, इतनी मेरी क्षमता है कि एक साइड से मैनेज कर लूंगा। फिर हनुमान जी को जामवंत याद है, आप जा सकते हैं। तो ये डिस्क्रिशन जब आता है ना, तब व्यक्ति सही डिसीजन ले पाता है, तब व्यक्ति कैरेक्टर लाइफ जी पाता है, नहीं तो क्या होगा, हर चीज उसको अच्छी लगेगी, ये भी सही है वो भी सही है।
तो भागवतम में स्ट्रिक्टली बोला है इमोरल एक्टिविटीज क्या है, चार इमोरल एक्टिविटीज, चार इमोरल एक्टिविटीज हैं, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स। ये चार चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये ब्लैक जोन है। इसमें आपको कोई भी प्रीचिंग करे कि अरे गैम्बलिंग चलो एक बार तो चलती है, चलो मीट ईटिंग अभी इतने दिन से नहीं खाया एक बार तो चलता ही है, यहाँ बिल्कुल नहीं चलता है, यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लगाना है, यहाँ कोई बुद्धि नहीं लगाना, दे आर ब्लैक, यू कैन डू इट। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जहां आप अपना विवेक लगा सकते हो, और उधर आपको एक हेल्दी फियर रखना पड़ेगा। हेल्दी फियर मतलब एक सतोगुणी डर कि हाँ भाई मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूं। और ये डिस्क्रिप्शन कैसे आता है, ये डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्चर्स पढ़ने से। आपने वो एनालॉजी सुनी होगी कि हमारी बॉडी एक चैरियट के जैसी है, उसके घोड़े कौन है, सेंसेस है, उसकी लगाम कौन है, माइंड है, उसका ड्राइवर कौन है, इंटेलिजेंस है, पैसेंजर कौन है, हम है, हम पैसेंजर है। अब मानो घोड़े अपने आप ही कहीं जा रहे हैं तो लगाम क्या करेगी, लगाम क्या खींचेगी, घोड़े अपने आप ही भाग रहे तो लगाम खींचेगी उनकी डायरेक्शन में, और ड्राइवर का क्या होगा, ड्राइवर बिविल्डर्ड हो जाएगा, और पैसेंजर का क्या होगा, पैसेंजर को हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सिचुएशन अभी हमारी चल रही है, सेंसेस हमको लेके जाते हैं। अच्छे भले फॉलो अप पे जा रहे थे सराफा बाजार से और आगे चाट पकौड़े की सुगंध, वहीं पर गाड़ी कब पार्क हो जाती है, कब वहां पर चले जाते हैं, फालूदा ऑर्डर कर देते हैं, खा भी लेते हैं, ये जीप निकल रहे हैं। ये सेंसेस हमको ड्राइव कर रहे हैं, हम सेंसेस को ड्राइव नहीं कर रहे। तो जब सेंसेस ऐसे ड्राइव करेंगे तो मन और बुद्धि का क्या होगा। अच्छा मानो घोड़े इधर उधर भाग भी रहे हैं और मन लगाम है, खींचना किसको पड़ेगा, कौन खींचेगा, बिना पावर स्टीयरिंग की गाड़ी चलाई है कभी, हाँ किसने चलाई है, हमारी ओमनी मंदिर की बिना पावर स्टीयरिंग की घुमाने में भी इतनी ताकत लगती है। पुराने ट्रक वालों को देखा, बस ड्राइवर पूरा ऐसे घुमाता है दम से, क्यों, क्योंकि गाड़ी को एक डायरेक्शन में मोड़ने के लिए ड्राइवर को शक्तिशाली होना पड़ेगा। ड्राइवर अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो गाड़ी कहीं भी भागेगी, वो स्टीयरिंग आपको लेके जाएगा गड्ढे में। तो बुद्धि का सशक्त होना बहुत जरूरी है। माइंड इज ओके बट इंटेलिजेंस हैज टू बी स्ट्रांग। इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रांग होती है, स्क्रिप्चर्स। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं बुद्धि स्ट्रांग होती है, तब वो डिसीजन ले पाती है, तब वो मन को लगाम दे पाती है, तब वो सेंसेस को कंट्रोल कर पाती है। सेंसेस का काम है भागना, घोड़ों की क्या गलती है, बुद्धि को स्ट्रांग होना। अब एक और दिक्कत आती है शास्त्र पढ़ने में, एक दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है, हमारे शास्त्र पढ़ने का सोर्स क्या है, व्हाट्सएप स्टेटस। उसमें क्या हो जाता है, उसमें मुर्गी मर जाती है। आपने सुना है ना वो कहानी, एक व्यक्ति था, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी थी उसके पास। तो उसका एक होशियार दोस्त आया, होता है ना एक दोस्त, डेढ़ शाणा बोलते हैं उसको, तो वो आकर के बोलता है कि भाई तुम्हारी मुर्गी इतना खाती है, एक अंडा देती है, ये खाने वाला पार्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तुमको मैं एक आइडिया देता हूँ, बीच में से काट दो तो खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, केवल अंडा अंडा निकाल लेना। तो उसका आइडिया भी अंडा ही था, वो जो काटा उसने, अभी मुर्गी भी गई, चारा भी गया, अंडा भी गया। तो ये होता है, इसको बोलते हैं टेक्निकली अर्ध कुक्कुट न्याय, अर्ध कुक्कुट न्याय, आधी मुर्गी का न्याय। इसमें क्या होता है, मुर्गी मर जाती है। अभी यही न्याय हम लगाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि मॉरालिटी की डेफिनेशन स्क्रिप्चर से अगर नहीं आएगी तो क्या होगा, हमको हर चीज अपने हिसाब से लगाएंगे। जैसे एक हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला करी है तो मैं ऐसे कृष्ण को नहीं मानता, लोग फॉलो भी करते हैं। हाउ कैन ए पर्सन स्पीक लाइक दिस, ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। गीता लेके दिन भर घूमते हैं लेकिन गीता खोल के पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी हैं तो अपनी टिप्पणी लगाते हैं। एक और हमारे भारत के राजनेता, उन्होंने गीता पर टिप्पणी लिखी, बहुत फेमस, उस पर क्या टिप्पणी लिखी कि कृष्ण एक्चुअली कृष्ण नहीं है। तो कौन है साहब, कृष्ण के अंदर एक ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, वो बोल रहा है
और कृष्ण उसको रिपीट कर रहे हैं, वेरी गुड, और लोग उसको मानते भी हैं। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि कृष्ण से उनको एलर्जी है कि अरे कृष्ण मॉरल नहीं है। अब मॉरलिटी में आपको मैं एक एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, है ना। ये पुराणिक स्टोरी है। मान लीजिए आपने आज व्रत लिया है, आज व्रत में पानी नहीं पीना 12 बजे तक, तो आपने एक और व्रत लिया है कि आप झूठ नहीं बोलोगे, है ना। तो आपकी सिचुएशन है, आप बैठे हुए हो, शांति से आपने व्रत किया है, आप झूठ नहीं बोलोगे। उसी तरफ आपने देखा कि एक गाय दौड़ती हुई जा रही है आपके लेफ्ट साइड में चली, उसके पीछे आधे मिनट बाद ही एक कसाई आ रहा है और वो उसके हाथ में एक काटने का बड़ा सा चाकू है और वो पूछ रहा है कि गाय कहाँ है, आप क्या करोगे? क्यों भैया, आपके व्रत का क्या हुआ? इशारा कर देंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे। तो वो जो ब्राह्मण था ना पुराण में, उसने इशारे किया और अगली लाइफ में उसको ऐसा दंड मिला, ऐसा दंड मिला कि उसी की वाइफ ने उसका मर्डर किया। एनीवे, आप इशारा मत करें। कहने का मतलब है कि एक गाय को बचाने के लिए आपका व्रत छोड़ना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। एक हायर कॉज के लिए लोअर कॉज कैन बी गिवन अप, ये मॉरलिटी है। मान लीजिए एक राधेश्याम पर सिंपल एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं कि एक बच्चा अपनी माता से जो बहुत प्रेम करता है, उसको आर्मी में भर्ती मिल गई और अभी उसी दिन जिस दिन उसको बॉर्डर पे जाना है उसी दिन माता की तबीयत खराब हो गई, वो क्या करेगा? किस किस को लगता है कि उसको बॉर्डर पे जाना चाहिए लड़ने के लिए? अरे बहुत कम वोट पड़े उसमें तो। फिर कौन कौन को लगता है कि माता के पास रुक के उनकी सेवा करना चाहिए, कंट्री जाए बाहर में? और बाकी लोगों को क्या लगता है? उसकी प्रॉब्लम वो देख ले, हमसे क्या प्रॉब्लम? कैसी? वही तो, कंट्री पे अटैक हो गया, पाकिस्तानी घुस गए अंदर बॉर्डर पे, तो रोती माँ को छोड़ के जाओगे? हाँ, फिर तो पाकिस्तानी घर में घुस जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो फॉर ए हायर कॉज लोअर कॉज कैन बी गिवन अप, ये मॉरलिटी होती है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे। स्क्रिप्चर्स पढ़ने में भी अगर नहीं आएगी तो क्या करना चाहिए? गाइडेंस लेना चाहिए। आज ब्रेकफास्ट की टेंशन नहीं है ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा जा सकते हो, ब्रेकफास्ट सही नहीं, वेरी गुड। तो एक बार क्या हुआ कि चार ब्राह्मण थे, गुरुकुल से पढ़ाई करके नए नए पास आउट हुए, है ना। अब नए नए पास आउट हुए, बड़े पारंगत थे शास्त्रों में, जैसे ही आश्रम से बाहर निकले उनके गुरुजी ने बोला कि अभी जो कुछ सीखा है लाइफ में अप्लाई करने का। ठीक है भैया, चारों खड़े थे। अब उन्होंने देखा कि एक अर्थी जा रही है और अर्थी के सामने कई वरिष्ठ ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते हुए जा रहे, तो आपस में बात कर रहे हैं। गुरुजी ने तो सिखाया था कि वरिष्ठ ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए, तो इनके पीछे पीछे चलते हैं। पर तो ये चारों भाई जैसे गुरुकुल से निकले अर्थी के पीछे लग लिए। अब ये शमशान में आ गए, उस व्यक्ति को जलाना करना सब चल रहा था, तो इनके पास में कुत्ता खड़ा था। तो बोलता है कि अरे किताब में लिखा है कि जो शमशान में साथ में खड़ा हो वही अच्छा मित्र है, तो ये कुत्ता हमारा सबसे बड़ा मित्र है, तो आज से हमारा पांचवा मित्र। तो कुत्ते को साथ में लेके गए, उसको कपड़े वपड़े पहना दिए। अब थोड़ा और आगे गए तो एक ऊंट भागा जा रहा था, तो तीसरे ब्राह्मण ने अपने पोथी निकाली, बोले देखो धर्म की गति बहुत तेज होती है, तो ये साक्षात धर्म जा रहा है, इसको अपन पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने ऊंट को पकड़ लिया। फिर चौथे ने बोला कि यू नो हमने एक और शिक्षा पढ़ी है कि अपने मित्र को धर्म से मिलाना चाहिए। तो कुत्ता था मित्र और धर्म था ऊंट, तो ये कुत्ते को ऊंट के गले में बांध रहे थे। अब ये जब कार्यक्रम पुलिस ने देखा तो पुलिस चारों को पकड़ के ले गई। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते लकीर के फकीर। शास्त्र पढ़ के भी आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे जब तक आपको एक अच्छा गाइड नहीं मिलेगा लाइफ में। तो लाइफ में गाइड की बहुत जरूरत है। कब कौन सा प्रिंसिपल लगाना है? अर्जुन वॉज परप्लेक्स्ड,
कितना अच्छा लेक्चर दिया फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता में अर्जुन ने, कि देखो मैं अपने ही गुरुजनों को कैसे मार सकता हूं, मुझे बहुत सारे पाप लगेंगे, मैं ऐसे इनके रक्त से सिंचा हुआ राज्य को कैसे भोग करूंगा, और अगर ये सारे मेल मर जाएंगे तो विमेन विल बी इंडिपेंडेंट, फिर वर्ण शंकर होंगी, पॉपुलेटेड पॉल्यूशन पॉपुलेटेड पॉपुलेशन होगी, क्या क्या लॉजिक उसने दिए। इतने अच्छे अच्छे लॉजिक सुनने के बाद कोई बोलेगा कि यार अर्जुन तो सही बोल रहा है, फालतू में लड़ाई कर रहे हैं भगवान, है ना। भगवान ने बोला कि कुतस्त्व कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, ये तुम्हारे हृदय का मल है, कैसे इंप्योरिटीज तुम्हारे हृदय में आए, तो खूब डांटा उसको। प्रज्ञावादम से वाससी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रहे हो, बहुत विज्ञानी जैसा लेक्चर दे रहे हो, तुमको ABCD भी नहीं पता है। फिर भगवान ने उसको भगवद्गीता का ज्ञान दिया। तो कहने का अभिप्राय, कई बार हम लोग मॉरालिटी का जो सिद्धांत समझते हैं वो क्या समझते हैं कि सोशल स्टेटस सही रहना चाहिए, और हमको मानना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि डिवोटीज मतलब अब ये लेक्चर सुनने के बाद कुछ भी करो, फॉर ए हायर प्रिंसिपल लोअर प्रिंसिपल कैन बी गिवन अप, अभी कुछ भी करो। जैसे अमेरिका में जब प्रभुपाद के शिष्यों ने बस पार्टी शुरू की थी, तो उस बस पार्टी में क्या उन्होंने मंदिर भी बनाया था, फिर किचन भी था बस में, अपने अपने संकीर्तन बस देखिए, तो किचन भी है, उसमें टॉयलेट भी था उनकी बस में, RV बोलते उसको, रिक्रिएशनल व्हीकल, उसमें टॉयलेट भी था। अब उनकी टॉयलेट का ना सेप्टिक टैंक फट गया था, अब रास्ते में गाड़ी चल रही है, भक्त लोग उसको यूज कर रहे हैं, पूरी सड़क पे बढ़िया लाइन खींचते हुए जा रहे हैं वो लोग। तो अभी एक ट्रैफिक पुलिस ने रोका उनको, बोला कि ये क्या चल रहा है आपका। तो वो जो बस के लीडर थे बोलते, कृष्ण बलराम नेवर केयर्ड फॉर कंसर्स लॉस, आपके नियमों को हम क्यों माने, हम तो भगवान के भक्त हैं, ऐसा भी नहीं करना है, ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, जो भी स्टेट के प्रिंसिपल्स हैं। जैसे एक हमारे इस्कॉन के सन्यासी सत्स्वरूप महाराज, उनकी फ्लाइट लेट हो रही थी तो थोड़ा लाइन के आगे चले गए, एक महिला ने उनको रोक के बोला, बोले इज इट अगेंस्ट योर रिलीजन टू बी पोलाइट, क्या आपके धर्म में यही सिखाते हैं कि आप ऐसे कहीं भी लाइन तोड़ के आगे चले जाओ, ये कर लो। तो सामान्य शिष्टाचार तो आपको फॉलो करना ही है। ये डिस्कशन चल रहा है कि जब कोई हायर कॉज के लिए गाइडेंस में रहते हुए शास्त्र के अनुरूप अगर आपको कोई लोअर प्रिंसिपल को सेक्रीफाइस करना पड़े तो बेधड़क कर देना चाहिए। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया, कितना धर्मराज युधिष्ठिर थे लेकिन झूठ बुलवा दिया, तो उस समय पर उनको डाउट नहीं होना चाहिए था कि भगवान ने मुझसे क्यों झूठ बुलवाया। अर्जुन से कर्ण को मरवा दिया, उस समय अर्जुन को डाउट नहीं था, अर्जुन वॉज कन्विंस्ड, क्योंकि गीता के एंड में अर्जुन ने क्या बोला, करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलोगे मैं करूंगा। दैट इज अवर मॉरालिटी, जो भगवान के सिद्धांत है, जो भक्तों के सिद्धांत हैं, अगर हम उसमें निष्ठावान रहते हैं, दैट इज परफेक्ट मॉरालिटी, देन यू कैन नेवर गो रॉन्ग। डॉक्टर को पता है कौन सी मेडिसिन देनी है, कब देनी है, तो उसके हिसाब से जब प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलेंगे, वी विल नेवर बी रॉन्ग, और उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत लेवल पर ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। नहीं तो आपको वो स्क्रिप्चर समझने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भक्तों ने ऐसा क्यों किया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कब होंगे, जब हम एक गाइडेंस में रहते हुए स्क्रिप्चर्स को स्टडी करेंगे, देन एवरीथिंग विल मेक सेंस। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, देयर आर मोर थीम्स टू कवर, बट प्रेमवता प्रभु विल कवर द सेकेंड पार्ट, he will explain further. Any question? किसी का कोई प्रश्न इसमें? Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आई लाइक डूइंग डिवोशनल सर्विस, बट एट द सेम टाइम देर आर सम ऑफ मटीरियल थिंग्स विच आई ऑल्सो लाइक टू डू, एंड आई फील लाइक नॉट गिविंग इट अप। Although I'm practicing since 1 year, like listening to some music, things like that. So, I mean, I'm not able to give up since lot of time. So, can you please tell me something? प्रश्न है कि हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन कई आदतें ऐसी होती हैं जिनसे हमको बहुत लगाव है और हम उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, म्यूजिक सुनना, इस तरह कोई अगर हमारी लाइकिंग्स हैं, हम उसको छोड़ना नहीं पा रहे हैं, लेकिन भक्ति भी हम करना चाहते हैं, कैसे बैलेंस। देखिए, इसमें एक विचार तो होता है, वन कंसिडरेशन इज
यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर थ्री जोन्स, एक ब्लैक, एक वाइट, एक ग्रे, है ना। मैंने आपको ब्लैक जोन बताया, वहां तो आपको जाना ही नहीं है। फोर एग्रीटिव प्रिंसिपल्स तोड़ने का सपने में भी नहीं सोचना, सपने में भी कोई आए तो उसको पुष्टि करने लगना। फोर एग्रीटिव प्रिंसिपल्स वी कैनॉट ब्रेक, चैंटिंग वी कैनॉट गिव अप, ये सिद्धांत एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। अब आते हैं हम ग्रे जोन। तो ग्रे जोन में प्रभुपाद ने हमको थोड़ी लिबर्टी दी है। कैसी लिबर्टी दी है कि आप धीरे धीरे उन्हीं टेंडेंसीज को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाइए। जैसे किसी को म्यूजिक का बहुत शौक है, देयर आर सो मेनी, अभी तो इस कॉल में इतने मतलब वैराइटीज ऑफ म्यूजिक है। आपको एकदम क्लासिकल सुनना है राग भैरवी, वो भी डिवोटीज ने गाई हुई है। आपको एकदम रॉक सुनना है, पॉप म्यूजिक सुनना है, वो भी है। सारी वैरायटीज इस कॉल में है, तो आप उस तरह अपनी टेंडेंसीज को डोवटेल कर सकते हो। सिंपल हैबिट्स लाइक टी एंड कॉफी, डिवोटीज ने क्या क्या निकाल दिया, डी कैफ निकाल दिया, हर्बल टी निकाल दी, ने क्या क्या निकाल दिया, आप उसको करोगे। कई लोग मीट ईटिंग के लिए आ सकते थे, तो डिवोटीज ने सोया प्रोडक्ट्स निकाल दिए। आपको मछली दिखेगी पूरी एकदम, लेकिन वो है सोया की, सोयाबीन की। तो उस तरीके से डिवोटीज ने सारे हथकंडे अपना लिए कि कैसे ना कैसे तो जीवात्मा अपनी टेंडेंसीज को भगवान पे लगाए। प्रभुपाद ने वही किया। आप इमेजिन कीजिए, जब वो अमेरिका में गए थे और यूथ अमेरिका का उस टाइम पे पूरे उबाल पे था, देवर इन काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर मतलब उनको किसी भी बड़े की कोई एडवाइस नहीं माननी थी, उनके इतने बड़े बड़े एम्बिशन। उनको प्रभुपाद ने भक्त कैसे बनाया? प्रभुपाद ने बोला, अच्छा तुमको गिटार बजाना है, कृष्ण के लिए बजा। तुमको पेंटिंग करना है, कृष्ण के लिए पेंटिंग। तो हमारा जो पैशंस है, हमारी जो लाइकिंग्स है, हमको उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाना है। और आपके पास तो अभी कितना बड़ा गोल है, पहले क्या ड्रीम रखते थे, एक नौकरी, एक छोकरी, ये ड्रीम होते थे ना, और क्या ड्रीम होता था। अभी क्या ड्रीम है, सर्वम अपिमाम पृथ्वीम स शिष्य, पूरी पृथ्वी पे कृष्ण कॉन्शियसनेस फैलाना, ये हमारा ड्रीम है। कभी आपने सोचा था ऐसा? आप में से कितने लोगों ने सोचा था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, सेकंड थर्ड क्लास में नहीं, अभी कॉलेज में आने के बाद, कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, कि मैं राष्ट्रपति तो बन ही जाऊंगा, अभी वो बन गई द्रौपदी मुर्मू, तो मैं तो बन ही जाऊंगा। ऐसा कोई सोचा था बचपन में? सोचा होगा बचपन, सब लिखते हैं एम्बिशन, प्राइम मिनिस्टर, एम्बिशन राष्ट्रपति, लेकिन अभी इतने बड़े हमारे एम ही नहीं है। तो हमारी जो लाइकिंग्स हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि इन लाइकिंग्स में अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस का फ्लेवर जुड़ जाए तो हमारा एम्बिशन कितना बड़ा हो गया। कंट्रीज पे अटैक करते थे प्रभुपाद डिसाइड। मायापुर में एक दिन एक यंग 17 साल का लड़का ग्लोब लेके घूम रहा था, ग्लोब, प्रभुपाद के कमरे में जाना चाहता। डिवोटीज ने उसको रोकने की कोशिश की, प्रभुपाद ने बोला, आने, क्या बोलना चाहते हो? 17 साल का लड़का, आप में से कितने लोग 17 साल से ऊपर हैं? कोई है 17 से नीचे? सभी 17 के ऊपर। 17 साल का लड़का ग्लोब लेके आया अर्थ का। प्रभुपाद बोलते, क्या चाहिए तुम? बोले, प्रभुपाद उंगली रखो, मैं अर्थ को ग्लोब घुमा रहा हूँ, आप उंगली रखो, कहाँ प्रीचिंग नहीं है, वो कंट्री में जाके मैं टेम्पल खोलूंगा। ये उसकी इच्छा थी। प्रभुपाद ने बोला, अफ्रीका में प्रीचिंग नहीं, बोले मैं अफ्रीका जाऊंगा। अमेरिकन लड़का 17 साल का, वो अफ्रीका गया और प्रभुपाद के पास एक सन्यासी बैठे थे, ब्रह्मानंद महाराज। प्रभुपाद बोले, ये तुम्हारे असिस्टेंट बनेंगे। तो लाइकिंग्स हैं, व्हाई टू गिव अप? उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस का फ्लेवर दे दो, आप इतना ऊपर तक पहुंच जाओगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आप बोलते हैं ना, हम लोग बचपन बोलते हैं फू, तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम था आपको इतनी छोटी लगने लगेंगी। तो इसी तरीके से जो भी हमारे इंक्लिनेशंस है ना, जस्ट गिव देम कृष्णा कॉन्शियस फ्लेवर। किसी को बहुत पढ़ने का शौक है, पढ़ो ना, कितने शास्त्र है, ये इतनी बुक्स है हमारे स्कॉन में, पढ़ो, कितना पढ़ना है। आपके पास यूट्यूब है, जो ज्ञान चल रहा है, आपके पास रियल नॉलेज है, दो ना लोगों को। उस तरीके से हमारी लाइकिंग्स को अगर हम डोवटेल करेंगे तो धीरे 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 हमारे नेचर से हम ऊपर उठ पाएंगे। ठीक है, और कोई पीछे कोई? हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब होता है, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण महामंत्र से मंत्र का मतलब होता है कि माइंड को डिलीवर करता है, तो इस इंटेलिजेंस भी स्ट्रेंथन होती है क्या? जैसे आपने बताया इंटेलिजेंस चाहिए, गुड इंटेलिजेंस। हरे कृष्ण महामंत्र इस कृष्ण हिमसेल्फ,
हरे कृष्ण, प्रश्न ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं महामंत्र, मंत्र आयतिति मंत्र, मन को स्ट्रांग करता है, मन को शांत करता है, तो क्या इंटेलिजेंस भी उससे नरिश होती है? बिल्कुल होती है। उसको कैसे समझ सकते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्मक नाम नामिना। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। आप जब बोलते हैं हरे कृष्ण, इसका मतलब क्या है? राधा कृष्ण वहां पर प्रकट है ना। अब कृष्ण की तीन क्वालिटी है, क्या तीन क्वालिटी है कृष्ण की? क्या तीन बीमारी है भगवान की? सत चित आनंद। सत मतलब एटर्नल, वो हमेशा ही रहते हैं। जैसे हमारा शरीर हमेशा नश्वर होता है, हमारे छोटे का फोटो हमको मम्मी को बताना पड़ता है, ये कुची कुची कु आप हो। अगर वो दूसरा कुची कुची कु को आप बताए तो आपको वही मानना पड़ेगा, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो कुची कु आप ही थे, है ना। तो छोटे का बच्चे का फोटो कौन बताता है? मम्मी बताती है। बट कृष्णा हमेशा इटर्नल है, उनकी बॉडी हमारी जैसी नहीं है, नश्वर नहीं है। दूसरा गुण है भगवान का चित। चित मतलब नॉलेज। ये नॉलेज हम लोग जितना भी अभी पीएचडी कर लें आईआईटी से, यहाँ से वहां से, अगली लाइफ में फिर से हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, जॉनी जॉनी यस पापा, वही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता, ही इज फुल ऑफ नॉलेज। और तीसरा है आनंद। आनंद मतलब ब्लिस। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं हरे कृष्ण, तो ये तीनों गुण उसमें आ जाते हैं। तो एक तो आपकी लाइफ इटर्नल हो रही है, आपकी इंटेलिजेंस को नॉलेज मिल रही है, और आपके मन को त्राण मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। तो तीनों तरीके से आपकी आत्मा की वृद्धि उत्थान होता है हरे कृष्ण महामंत्र करने। इट्स होल सोल पैकेज। व्हेन यू चैंट यू स्ट्रेंथन योर इंटेलिजेंस, यू डिलीवर योर माइंड, यू प्यूरिफाई योर अहंकार, फॉल्सी, राइट। और कोई ठीक है? ठीक है बोलिए। प्रश्न है कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, क्या करें? इच्छा क्यों नहीं होती है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति बोलता है मेरी आईआईटी में जाने की इच्छा नहीं होती, मैं तो सरकारी कॉलेज में क्यों जाऊं, प्राइवेट एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन ले लूं, आईआईटी में जाने की मेरी इच्छा नहीं होती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिवाला निकला है। उसको इच्छा क्यों नहीं हो रही आईटी में जाने की? क्योंकि उसका कॉम्पिटिटिव में दिवाला निकला है। अगर कॉम्पिटिटिव में नंबर आते, अगर वो परिश्रम करने के लिए तैयार होता, तो उसका एम कभी भी छोटा नहीं होता। तो प्रभुपाद बुक्स आर लाइक द हाइएस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। परिश्रम कितना है? रोज उठा करके खोलना है बस। एक बार भक्ति रसानंद महाराज से किसी ने पूछा, प्रभु महाराज प्रभुपाद की बुक्स कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें? महाराज के पास बुक रखी तो उन्होंने खोला ऐसे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कब हमारी इच्छा नहीं होती है प्रभुपाद बुक्स पढ़ने की? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। जो लोग केवल 5 मिनट रोज पढ़ेंगे, 5 मिनट्स, आई एम नॉट आस्किंग मोर देन दैट, 5 मिनट आप पढ़ने की हैबिट डालिए, अगर आपने रेगुलरिटी रख ली ना, आप कब 3-3 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे आपको समझ में नहीं आएगा कैसे होगा। प्रभुपाद बुक्स आर सो इंपॉर्टेंट। मैं जहां जाता हूं एक ही बात बोलता हूं, आप लोग केवल रोज पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे 1 लाइन हो, चाहे 2 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो। कोई नहीं बोल रहा आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, कोई नहीं बोल रहा है आपको, लेकिन रोज पढ़ना शुरू करो। अगर आप रोज पढ़ोगे ना, आप 15 दिन के अंदर आप खुद महसूस करोगे कि आपकी एफिनिटी बढ़ती जा रही है प्रभुपाद बुक्स पढ़ने। क्योंकि देखो, इसके ऊपर कोई लेक्चर नहीं दे सकता है कि गुलाब जामुन क्यों खाना चाहिए, कैंप का टॉपिक, व्हाई टू ईट गुलाब जामुन, ये उसको ही देना पड़ेगा जिसने कभी गुलाब जामुन चखा ही नहीं। आप किसी के मुख में गुलाब जामुन रख दीजिए बस, फिर आपको दोबारा प्रीचिंग नहीं करना पड़ेगा, फिर वो लाइन में बार बार लगेगा लेने की। तो इसीलिए प्रभुपाद बुक्स जस्ट पढ़ने की शुरुआत कीजिए, जस्ट 2 मिनट्स 5 मिनट्स रेगुलर अगर पढ़ लिया, सोने के पहले एक हैबिट डाल लो, जैसे अलार्म सेट करते हो सोने के पहले, मैं आशा करता हूँ करते होंगे, तो उसके पहले 2 लाइन पढ़ के सोइए। ऐसी हैबिट लगेगी, आप 3-3 घंटे पढ़ेंगे, आपको आपको सैचुरेशन नहीं आएगा।
ठीक है, तो वी विल एंड हियर। अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो हम नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं। 10 o'clock यू हैव टू सी मी अगेन, इट्स अ बैड न्यूज़। तो मैं दोबारा से आने वाला हूँ 10 बजे, तो उस समय पे आप फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की जय। ताई गौर प्रेमानंद की जय। Yes. Yes.